hello everyone so uh, today i'm going to talk about the swept boss base and the swept cut feature in solidworks so i'll just make this clear that this is for the people who don't know where to apply this feature and what are the different things that you can do with it so to demonstrate i'll just start off with a sketch see uh, swept boss base is something which lets you um, कॉपी अ पैटर्न अलॉन्ग अ सर्टन पाथ लेट जिस से कॉपी क्या होता है लेट से हम एक पाथ uh, बना रहे हैं वट आई डू इज आई ड्रॉ रैंडम लाइन लाइक दिस ओके एंड नाउ आई वॉन्ट इज कि इसी लाइन के अलाग अभी तो टू डी में है यू कैन सी बट वट आई वॉन्ट इज कि इसी पाथ पे एक सिलेंडर चल रहा हो सो लाइक इट विल बी लाइक अ बेंट पाइप

आई जस्ट गो नॉर्मल अगैन एंड आई आई सेलेक्ट अ सर्किल अब ये वाले जो पॉइंट है इसके पीछे पूरी लाइन चल रही है सो आई आल जस्ट सेलेक्ट दिस एंड ड्रो अ सर्किल दर आई आई जस्ट गिव दिसमेंशन जस्ट लाइक दैट द डायमेंशन इज गिवेन एंड नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज वट आई डू इज

यहाँ पे तीन फीचर्स दिख रहे हैं आपको एक है वन साइड एक है दूसरी साइड हम दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो स्केच के एंड तक वो पूरा चला जाएगा एंड दिस इज़ लाइक कि दोनों तरफ करो तो हम दोनों तरफ वाले को सेलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू वट यू नीड वैसे करना है थिन फीचर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस ये रिवॉल्व बॉस बेस वाला वीडियो सेपरेटली इस पर वीडियो बना लेंगे सो थिन फीचर अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके आइदर साइड पे हमें मटेरियल ऐड करना है ठीक है दिस कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू मी कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक लाइक पाइप और समथिंग दट जिस डिपेंड्स ऑन यू हाउ क्रिएटिवली यू यूज़ इट दोनों तरफ भी कर सकते हैं उसको अंदर भी मटीरियल ऐड कर देगा बाहर भी कर देगा एंड यू कैन एंटर दी डेम थिकनेस हियर ऑप्शंस में काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइक ये आपने देखा कि सर्किल जैसे था तो यहाँ पे आकर भी इट इज़ नॉर्मल टू दिस लाइन दैट वी वांट ठीक है फॉलो पाथ या आई कैन कीप नॉर्मल कांस्टेंट तो यहाँ पे क्या होगा इफ आई कीप नॉर्मल कांस्टेंट तो ये स्केच यू चल रहा था एक तरीके से एंड ये ऐसे ही फॉलो हुआ इट डिड नॉट रोटेट अलॉन्ग विद दी लाइन लाइन से नॉर्मल नहीं रहा अपने रिस्पेक्ट पर यह पैरल ही रहा तो दैट इज़ वॉट इट हैपन्स वेन यू कीप अर्मल कॉन्स्टेंट यहाँ पर दो ही ऑप्शन है सो राइट नाउ आई जस्ट सेलेक्ट फॉलो पाथ एंड यहाँ पे ट्विस्ट भी है ट्विस्ट इज एक्चुअली अ गुड थिंग इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ फैंसी कभी एक यूट्यूब uh, पर वीडियो देखा था हमने सो so उस पर उन्होंने ब्रेसलेट बनाया था विद दी हेल्प ऑफ जस्ट अ ट्विस्ट वैल्यू तो अगर हमें यहाँ पे एक ट्विस्ट वैल्यू हाँ ओके सो यहाँ पे मेरा uh, पाथ वाले में एक शार्प एज है अगर हमें ट्विस्ट प्रोवाइड करना है तो एक स्मूथ होना चाहिए वो भी डेमानस्ट्रेट कर देते हैं अभी जल्दी से ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ये हो गया मेरा ओके दिस इज़ हॉलो आई थिंक थिन फीचर सेलेक्टेड रह गया था सो so पाइप ही बन गया है अभी के लिए दैट्स ओके okay. आई विल जस्ट राइट लाइक दिस एंड आई एडिट दिस फीचर एंड थिन फीचर को हम ओके थीन फीचर सेलेक्टेड रह गया दैट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे नाउ इफ आई वॉन्ट टू डिमोन्स्ट्रेट दी स्वेप्ड कट आई एल जस्ट डिलीट दिस हेयर येस ये दोनों स्केचेस भी हटा देंगे वी डोंट नीड इट नाउ व्हाट आई डू इज आई एल गो टू द फ्रंट प्लेन अगेन डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं इसको डायमेंशन दे, दे देंगे हम 60 एम mm एम चलेगा ठीक है अभी आई एल गो टू दिस फेस एंड सेलेक्ट स्केच अब आई एल चूज स्पलाइन इट्स इट्स गोइंग टू लुक गुड यहाँ पे हमें एक रैंडम पाथ क्रिएट कर देंगे एंड यू सी ये कैसे काम करता है स्विफ्ट कट आई वॉन्ट टू चेंज द डायरेक्शन यर बिकॉज बाहर जा रहा है बॉक्स के या इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ स्पलाइंस आर बेसिकली ऑपरेटेड देन आई एल पुट अ लिंक एट दी एंड ऑफ माई वीडियो वहाँ पर प्लाइंस का हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कैसे बनाना है कैसे डिफाइन करना है सो इट विल भी हेल्पफुल ओके सो अभी क्या करेंगे इसको फिर से एग्जिट कर देंगे एंड राइट नाउ आई वज इन द फ्रंट प्लेन अगैन आई आई वॉन्ट अ बाथ जो कि नॉर्मल हो या इसको इंटरसेट कर रहा हो बेसिकली किसी भी पॉइंट पर तो यहाँ पर टॉप प्लेन सही रहेगा टॉप प्लेन पर हम स्केच करने के लिए आ जाएंगे एंड अब हम यहाँ पर एक ड्रॉ कल ओनली एक सर्कल हम इस बात पर ड्रॉ कर देंगे अगर आप लाइन पे एग्जैक्टली exactly ड्रॉ ना कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है व्हेन यू विल गिव द पियर्स रिलेशन ना देखिए जैसे अभी यहाँ पर लाइन पर नहीं है बट वेन आई विल सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड सेलेक्ट दिस तो उस प्लेन में जहाँ पर भी पीयर्स कर सकेगा कर देगा सो सॉलिड वर्क इज इंटेलिजेंट उसके बाद आई एल एग्जिट देन आई एल गो टू दिस स्विफ्ट कट फीचर आई सेलेक्ट दिस प्रोफाइल एंड आई एल सेलेक्ट दिस पाथ अब देखिए क्या हो रहा है फर्स्ट ऑफ आल आई एल सेलेक्ट दिस अगैंड बोथ साइड्स एंड आई एल क्लिक ओके नाउ सी बोर्ड हैपन उसने उसी पाथ के अलॉन्ग उस सर्किल को सर्किल जो बनाया था हमने वो पाथ के अलॉन्ग इस बॉडी को जहाँ पर भी इंटरसेट कर रहा था उसने इंटरसेट कर दिया है टू शो यू क्या हुआ है आई विट ए सेक्शन व्यू एंड देखना ये प्रोफाइल बनना स्टार्ट हुई है सो उसने ऐसे इसको सर्कुलर हाथ में कट कर दिया सो याद दिस इज वॉट रिवॉर्ड सॉरी स्वेप्ट कट डॉर्डिंग टू यू आप इसको कितनी ज़्यादा उस क्रिएटिविटी से यूज कर सकते हैं आई थिंक आई विल डिमॉन्स्ट्रेट द ट्विस्ट फीचर ऑल्सो विच आई टॉक्ड अबाउट so let's go to that and delete everything i'll go to the front plane again i'll sketch a uh, spline because it's smooth hoti hai. Hai. press escape to exit the spline then exit the sketch go to the right plane sketch now i want to twist an ellipse सो so start with an ellipse. Okay. Now again, देखिए ये काफ़ी दूर है इससे बट इट विल स्टिल पीयर्स इसको सिलेक्ट करो मेक पीयर्स ओके यहाँ पे एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशन पे हमने क्लिक करके कर दिया था दैट इज़ इट्स नॉट एबल टू डू सो इस रिलेशन को हम डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे पीअर्स रिलेशन आ गया है ग्रेट स्केट स्केच एग्जिट करे बिना भी हम बॉस बेस कर सकते हैं सो दैट इज वॉट आई डू ये हो गया प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली बात सेलेक्ट कर लिया एंड यू कैन सी ऐसे हो रहा है दोनों साइड सेलेक्ट कर लेंगे काफ़ी अच्छा सा हमारे पास एक फिगर बन के आ गया है फीचर बन के आ गया है नाउ आई गो टू ऑप्शन आई एल चूज प्रो स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू एंड हम यहाँ पे इसको डिग्री में भी ट्विस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या रेवोल्यूशन में भी प्रोवाइड कर सकते हैं मतलब कितनी बार घुमाना है डिग्रीज़ में अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो लेट्स से आई वांट टू गिव इट अ 45 डिग्री ट्विस्ट तो ये देखिए क्या हुआ इसने एक एंड पे इसको 45 डिग्री ट्विस्ट कर दिया दूसरी साइड पे भी अगर हमें सेम डायरेक्शन पे करना है तो ये कर देगा अगर हमें दूसरी साइड पे डायरेक्शन रिवर्स करना है देन आई जस्ट क्लिक दिस ये हो जाएगा इट्स क्वाइट फन एंड काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से या फिर अगर हमें रेवोल्यूशन प्रोवाइड करना है तो हम वो कर देंगे अभी इसने डिग्री के हिसाब से अपने आप डायरेक्शन फ़िक्स कर दिया है एंड वट आई वॉन्ट इज आई वोट गिव फाइव रेवोल्यूशंस ऑन वन एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई सिस्टम समलिड वर्कस क्रैशज इट्स जो हम थोड़े हेवी कमांड्स दे देते हैं फाइव रेवोल्यूशन हो नहीं पाए इस बात पर दैट्स ओके हैल जस्ट स्टार्ट विद टू रेवल्यूशन्स ओके यू कैन सी काफ़ी अच्छा सा फिगर बन के आ गया है हमारे पास सेकेंड साइड पर हम नहीं कर रहे हैं आपको पता ही चल गया है कैसे काम करना है आई जस्ट डू दिस एंड ये बन के आ गया है हमारे पास सो दिस इज ऑल अबाउट स्विफ्ट बॉज बेस्ड फीचर्स एंड स्विप्ट कट फीचर्स लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ़ यू डोंट अंडर्स्टैंड एनी कॉन्सेप्ट और देर इज समथिंग मोर विच यू वॉन्ट टू डू इन योर प्रोजेक्ट्स थ्रू दिस फीचर एंड आर एन एबल टू डू I'll try my best to help you out. Thank you.